हाँ बच्चों, व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वी वर डिस्कसिंग दैट टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इट इज़ नॉट ओनली विद द टायर, फॉर एनी ऑब्जेक्ट इफ वी विश टू मूव इट कंटिन्यूसली देन वी हैव टू पुश इट रिपीटेडली। नाउ we are taking one different example of the magnet. Magnet can exert a force without being in contact with it. Magnet जो force apply करता है किसी iron nail पर या किसी iron के object पर, magnet जो force apply करेगा वो भी एक force है, लेकिन वो contact force नहीं है, वो touch में नहीं आ रहा है। Object यहाँ भी दो हैं। ध्यान देने की बात ये है कि जो हमने define किया था वो अभी भी वही है, डेफिनेशन चेंज नहीं हुई। ऑब्जेक्ट अभी भी दो है, एक मैग्नेट और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ठीक है। बट ये सिर्फ कॉन्टैक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, बट इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज स्टिल परसिस्टिंग। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स अभी हम पढ़ेंगे, बट बिफोर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। नाउ वन थिंग, फोर्स को हम एफ से डोनेट करते हैं, ये हमारी बुक में शायद नहीं लिखा है। फोर्स को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक। ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन है। और अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो एफ इजकल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए, कैपिटल एफ इजकल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। शायद ये आपकी बुक में नहीं भी दिया हो, बट आप केवल इतना ध्यान रख लो कि फोर्स का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए है, जहाँ पर स्मॉल एम इजकल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, एफ इजकल टू एम इंटू ए। Now coming to the different topic, that is the thrust. What is thrust? The force that acts on a surface in a direction perpendicular to it is known as thrust. Koi bhi force kisi bhi surface ke perpendicular direction mein agar lag raha hai, this will be calculated as thrust. इसीलिए क्या लिख रहा है, द फोर्स दैट एक्ट ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। कभी कभी पैरेलल में भी लगता है, कभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लगता है। तो सरफेस, बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस विल बी नोन एज थ्रस्ट। नाउ कमिंग ओवर टू द प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जितना अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है या जितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रेशर। देखो, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, आई विल जूम इट आउट। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो प्रेशर को P से डिनोट करें तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, F फॉर फोर्स एंड A फॉर एरिया, कट। सो P इज इक्वल टू F अपॉन A। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर थर्स्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होने वाला या फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई होने वाला मैग्नीट्यूड, दैट विल बी नोन एज प्रेशर। नाउ इवन लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विच दे आर कैप्ड, इन विच दे आर कैप्ड। जिस कंटेनर में लिक्विड रखा होगा उसके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई होता है। दिस वी कैन सी सिंपली, एक एक्टिविटी टेस्ट दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक में। एक बॉटल लेते हैं, बॉटल को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं पानी से, और उस बॉटल पर अलग अलग जगह पर होल किए हुए हैं। जब बॉटल में होल करते हैं तो प्रेशर के साथ पानी बाहर जाता है,
होल जितना नीचे होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। बॉटल अगर ऊपर तक भरी है, जो टॉप मोस्ट लेवल पे होल करेंगे और बॉटम लेवल पे होल करेंगे तो बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एरिया उतना ही है। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस कंटेनर में, जिस वेसल में वो रखे होते हैं। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट देखो, अगर बलून में हम बलून में वाटर भरें, पानी भरते हो बलून में, तो बलून स्वेल कर जाएगा, बलून फूल जाएगा। क्यों? बिकॉज द वाटर विच इज़ बीइंग फिल्ड विद इन द बलून इज़ एग्जर्टिंग प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बलून। बलून में जो हम पानी भर रहे हैं वो बलून की वॉल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसकी वजह से बलून एक्सपैंड हो जाता है। इन द सेम वे सारे वेसल्स में ले लो, प्रेशर अप्लाइड रहता है। ग्लास के वेसल्स में, स्टील के वेसल्स में प्रेशर सब में अप्लाइड रहता है। बट द थिंग इज दिस कि उस वेसल में या उस कंटेनर में उस प्रेशर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी हो जाती होती है। जब कैपेसिटी नहीं रहती है तो फिर वो टूट जाता है। ये तो हम डैम में भी देख सकते हैं, डैम भी टूट जाते हैं कभी कभी, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, डैम भी तो टूट जाते हैं, वो भी प्रेशर अप्लाई करता है वाटर वहाँ भी। चलिए, अब हमने क्या डिस्कस किया था इनिशियली आपको, कि वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस में देखो पूरी लिस्ट दी हुई है, मैं पहले आपको लिस्ट दिखाता हूँ एलैबोरेट करके। वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉन्टैक्ट फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड प्रेशर। इन सबको हम वन बाई वन डिफाइन करते हैं। पहले तो हम एक बात करें कि कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होगा जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच कर रहे होंगे। वेन एवर द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर बींग इंटरैक्टेड बाई द फोर्स आर इन कॉन्टैक्ट, दैट विल बी नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे पुश पुल, हम किसी को धक्का दें या कोई हमें खींचे डायरेक्टली या रोप से पकड़ के खींचे, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। टग ऑफ वॉर हमने देखा है, ठीक है, टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी बोलते हैं इसको हिंदी में, रस्सा खींच, जो कंपटीशन होता है, एक स्पोर्ट है ये, एक टाइप का इससे काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स में काउंट करते हैं इसको। तो टग ऑफ वॉर भी एग्जांपल है फोर्स का, कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स। डायरेक्ट किसी को पुश करें या पुल करें वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट बोथ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूर से अट्रैक्ट कर लेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो अट्रैक्ट, और ग्रेविटी तो अट्रैक्ट करती है, तीसरे माले पर हो, चौथे माले पर हो या बहुत ऊपर हो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे आ जाते हैं। ये हुए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स का डिवीज़न। अब एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। एक ही ऑब्जेक्ट पर, आपको पीछे डायग्राम में ले चलता हूँ एक बार मैं, नाउ सी इस फोर्स की बात करें। अगर दोनों बच्चे, इस इमेज में दोनों बच्चे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर दोनों बच्चे फाइव न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लेकिन देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी ऐसा फोर्स जो इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन हो दैट विल बी नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगा, और अगर स्टैटिक है या रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, स्टैटिक ही रहेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, यू कैन कम टू दिस इमेज, दिस वन, टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन।
वहाँ पर फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा, या दो डिफरेंट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे, अगर दोनों ये बच्चे दोनों अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कराएं, एक 10 न्यूटन कर रहा है, एक 5 न्यूटन कर रहा है, तब भी ये अनबैलेंस फोर्स होगा। तो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हमारे स्टडीज़ में फिलहाल नहीं दी हुई थी, दैट आई टोल्ड यू। नाउ कम टू द डेफिनेशंस वन बाय वन एंड कमिंग ओवर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ए फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब है? ए फोर्स एग्जर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस है जिस पर दूसरे किसी माइनस वाले पर अप्लाई करे, या प्लस वाले पर ही अप्लाई करेगा, प्लस प्लस पर अप्लाई करेगा तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस पर अप्लाई करेगा तो अट्रैक्शन होगा, या प्लस न्यूट्रल बॉडी पर भी कोई चार्ज अप्लाई करता है, कोई प्रेशर अप्लाई करता है या कोई फोर्स अप्लाई करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एयर अबाउट द सरफेस, बाय वेट ऑफ एयर अबाउट द सरफेस। हाँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझो, हमारी बॉडी पर या सारे ऑब्जेक्ट्स में एक एयर प्रेशर अप्लाई करती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हमारे ऑल अराउंड एयर है, ये हम सबको पता है, हमारे ऑल अराउंड उसी एयर से एटमॉस्फेयर बना है, ये भी हमें पता है। वही एटमॉस्फेयर हम सबके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कई बार फील भी करते हैं। कब फील करेंगे? एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम हाईवे पे खड़े हैं और हाई स्पीड में एक कार हमारे सामने से निकल जाए, कोई बस हमारे सामने से निकल जाए, तो पूरी हमारी बॉडी हिल जाएगी, यानी सामने जो एयर थी दैट हैज़ बीन रिमूव्ड ऑफ बाय द कार और बाय द बस, और जो पीछे से हमारे ऊपर प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमें पुश करता है टुवर्ड्स दैट गैप जो कार ने क्रिएट किया है। ये एक एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई करता है हमारे बॉडी के ऊपर चारों तरफ से, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, सकर, SUCCER, सकर का या वैक्यूम का। उसमें क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको वॉल पर पेस्ट करते हैं और उसके बीच में से एयर रिमूव हो जाती है। हमारी गाड़ी के साइड मिरर पर, गाड़ी के साइड मिरर पर धूप नहीं आए इसके लिए ब्लैक कलर की स्क्रीन लगाते हैं, उस स्क्रीन में बीच में सेंटर में उसको चिपकाने के लिए, ग्लास के ऊपर चिपकाने के लिए एक पैड होता है, उस पैड को हम ग्लास के ऊपर रख के प्रेस कर देते हैं और वो हमारी स्क्रीन, सन स्क्रीन चिपक जाती है और हमारे ऊपर धूप नहीं आती। तो वो क्यों चिपक गई? क्योंकि उस पैड के चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन ग्लास और स्क्रीन के बीच में जब हमने उसको प्रेस किया, ग्लास के ऊपर जब प्रेस किया तो उसके बीच में जो एयर थी वो हमने रिमूव कर दी। अब जो बाहर का सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कंटिन्यूस उस पैड के ऊपर अप्लाइड है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर जो स्क्रीन है वो, या सकर है या वो पैड है, वो ग्लास मिरर के ऊपर कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहता है। ठीक। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कह रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स भी हमने डिस्कस कर दिया, एक बार बस पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स? ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हैमरिंग ए नेल,
पुशिंग योर फ्रेंड, पुलिंग ए कार्ट और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर आ जाओ, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स का अपोजिट है, बड़े रेयर रैंडम वे में दिए हुए इसमें, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर आ जाओ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेट पुल, द मैग्नेट कहाँ है, द मैग्नेट पुल्स द आयरन पीसेस। ग्रेविटेशन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी एग्जाम्पल दिया है। नाउ कमिंग ओवर टू द फोर्स, फोर्स हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, सिंपली इट इज़ ए पुश और पुल एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको समझने की कोशिश करो। सपोज एक बॉक्स है जिसको हम पुश करना चाहते हैं, जिसको धक्का देके शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, हम धक्का दे रहे, शिफ्ट नहीं हो रहा, अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉक्स की सरफेस अर्थ की सरफेस के कॉन्टैक्ट में है और बॉक्स की लोअर सरफेस एंड अर्थ के सरफेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको बोला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो धक्का दे रहे हैं, हम जो पुश कर रहे हैं, वो फोर्स उतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉक्स की वॉल और अर्थ की सरफेस के बीच में अप्लाई हो रहा है उसको ब्रेक कर दे, तो हमारा बॉक्स मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना कोई चीज़ स्टेबल भी नहीं रह सकती और कोई चीज़ चल भी नहीं सकती। सपोज हमारी अर्थ और हमारे शूज़ के बीच में कोई फोर्स अप्लाइड ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। वी आर नॉट रोबोट्स, इन फैक्ट रोबोट जो सीधा पैर उठाता है इलेक्ट्रिक पावर से आगे बढ़ा के रख देता है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो अपने फुट से, फुट मीन्स पंजे से अर्थ को पीछे की तरफ पुश करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू मूव। जब तक हम अपने फुट से अर्थ की सरफेस को पीछे पुश ना करें, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ब्रेक ना करें या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो बिटवीन अर्थ एंड आवर फुट, देन वी वॉन्ट बी एबल टू मूव। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बहुत काम का है, फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट चले नहीं और जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं वो कभी रुके नहीं। ये डिटेल में हम 9th क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हम पढ़ चुके हैं, ये वो फोर्स है जो अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर अप्लाई करता है सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। अर्थ का सेंटर, ये हम अभी केवल अर्थ के कंसर्न में बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये हर जगह होता है। सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग पुल्ड बाय ईच अदर। एक बॉल अर्थ पर अगर गिर रही है तो इवन बॉल इज ट्राइंग टू पुल द अर्थ, ऑल्दो अर्थ इज पुलिंग द बॉल, ये तो हमें पता है। अर्थ को, अर्थ बॉल को पुल कर रही है, ये तो हमें पता है, लेकिन बॉल भी अर्थ को पुल करती है, लेकिन बॉल की मिसाल क्या, जो बहुत छोटी है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए वो ज़मीन पे गिर जाती है, राइट। ग्रेविटी, ग्रेविटी तो वही हुआ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा, दूर हो या पास, वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को हमने नाम दिया है ग्रेविटी। मैग्नेटिक फोर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए मैग्नेट टू पुल और पुश ए मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ कमिंग ओवर टू मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स अप्लाई करें वर्कआउट करने के लिए,
वो मस्कुलर फोर्स हुआ। एग्जाम्पल में राइटिंग, कटिंग, रीडिंग, रनिंग, वट एवर, कितने सारे फोर्स, मस्कुलर फोर्स हम काउंट करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड इवन द प्रेशर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट या सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दैट, ये पूरा चैप्टर मैंने समराइज करके आपके फ्रंट में रखा है। कंप्लीट चैप्टर वी आई हैव रिप्रेजेंटेड इन समराइज फॉर्म, इवन वी कैन राइट डाउन द नोट्स आल्सो। तो फ्रॉम द PDF, फ्रॉम द गिवन PDF यू कैन राइट डाउन द नोट्स आल्सो एंड ऑल द चीफ इन्ग्रीडियंट्स और ऑल द चीफ कंटेंट आई हैव डिलीवर्ड यू थ्रू दिस PDF एंड थ्रू माई दिस ऑडियो लेक्चर। नाउ ये था वो कंटेंट जो मैंने मेरी तरफ से डिलीवर करना चाह रहा था। नाउ हैव अ क्लोज लुक टू कंटेंट डिलीवर्ड इन आवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। एक क्विक व्यू देख लेते हैं, अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो हमारी टेक्स्ट बुक में है और हमें नज़र नहीं आया है तो वी विल डिस्कस दैट। राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो यू ऑफ योर टेक्स्ट बुक। चलिए, नाउ दिस इज द स्लाइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। देखिए, रीडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, नो डाउट। सारे कीवर्ड्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए, रीडिंग आपको वंस करनी ही पड़ेगी। और ये स्लाइड जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं इज देयर समथिंग लैप्स और नॉट। इफ देयर इज समथिंग देन आई विल लेट यू नो। 11.1 में फोर्स दिया हुआ है। फोर्स, इसकी डेफिनेट, पुश और ए पुल, दिस वी हैव डिस्कस्ड, यस नो डाउट। नाउ जी, ये जो टेबल दी हुई है एक्टिविटी 11.1 में, आइडेंटिफाई द एक्शन एज पुल और पुश, तो ये तो हमें खुद को फील करनी है। इसमें क्या ऑब्जेक्ट पुश फील कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट पुल फील कर रहा है। सो यू कैन फिल अप इवन दिस टेबल आल्सो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। नाउ कमिंग ओवर टू द 11.2, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ये मैं आपको डिस्कस किया था कि इंटरेक्शन की वजह से एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, इसको हमने, इसी की वजह से फोर्स जनरेट होगा। इवन दिस वी हैव डिस्कस एंड द सेम एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड आल्सो। ये एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया था, दिस वन, ये क्या है, पुल फोर्स है। काउ इज पुलिंग टू ए मैन और मैन इज पुलिंग टू ए काउ। बोलो व्हाट इज हियर, वेदर ए मैन इज पुलिंग टू ए काउ और काउ इज पुलिंग टू ए मैन। हियर बोथ आर पुलिंग ईच अदर। अब जो जिसकी तरफ चला जाएगा उसका फोर्स ज़्यादा, डन। तो ये जब आप आपकी NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्लोरिंग द फोर्स, फ्लोर फोर्स को हम कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्टिविटी 11.2, ये दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एंड फिगर नंबर 11.5, ये मैंने आपको बोला था टग ऑफ वॉर, रस्साकसी, एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, टग ऑफ वॉर। दो टीम्स हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे को खींच रही हैं। इवन दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज द टू टीम्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ ए रोप एंड बोथ आर पुलिंग ईच टीम इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये इतना हो गया। नाउ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड एंड वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। सॉरी, अब देखो ये एक्टिविटी 11.4 है, ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, एक बार थोड़ा सा पढ़ना है इस एक्टिविटी को। कुछ आप भी तो करोगे ना, मैंने तो आपको काफ़ी कुछ समझा दिया, आप कुछ आप भी करोगे, ये एक्टिविटीज़ करना अपने आप। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी 11.5 क्या कह रही है, इट इज़ सेइंग दैट
स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स के क्या इफेक्ट होंगे वो बता रहा है ये। थोड़ा सा कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा देन लेट मी आस्क। ना कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आया है मस्कुलर फोर्स, देन फ्रिक्शन फोर्स, पुश और पुल, ये भी है मस्कुलर फोर्स आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, पुश एंड पुल भी कॉन्टैक्ट फोर्स में ही है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स एक्टिविटी के थ्रू देख लो, और इवन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इसको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। मैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल के साथ में ये भी हमें लर्न करना है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि हम बार कई बार गिर जाते हैं, बॉल ऊपर फेंकते तो नीचे ही आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स और होता है फोर्स ऑफ फियर, सुना है कभी फोर्स ऑफ फियर? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब टीचर के डर से, टीचर के डर से बच्चे कोई काम करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ फियर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फोर्स। हाँ, समझने की बात है केवल। प्रेशर वी हैव डिस्कस्ड, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसका फॉर्मूला ये देखो, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। नाउ मूव अहेड, आगे बात करें तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, सारा लिक्विड सारी गैसेस जिस कंटेनर में या जिस वेसल में रखी होती है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। ये हम बलून के एग्जांपल से समझ चुके हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूँ, जो बॉटल वाला एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा था, ये देखिए इस बॉटल में प्रेशर है किसका? पानी का। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो हमने होल किए हैं, तो द वाटर इज़ फॉलिंग फार अवे फ्रॉम द बॉटल। द वन मोर थिंग इज दैट अगर इस बॉटल की टॉप मोस्ट लेयर पे होल होता तो प्रेशर उतना ही कम होता, पानी उतनी ही बॉटल के पास गिरता, और जितना बॉटम साइड में आते जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा दूर वाटर का फॉल होगा, पानी उतनी ही ज़्यादा दूर गिरेगा। सेकंड एक्टिविटी एक ये भी है, वाटर इज एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बॉटल, वाटर इज एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बॉटल। अब इस बॉटल में हमने एक ट्यूब लगा दी, बलून फिक्स कर दिया, तो ये वाटर प्रेशर की वजह से बलून में चला गया और बलून के ऊपर प्रेशर आया तो इसकी भी शेप चेंज हो गई। ना लेट्स सी और क्या है हमारी बुक में, हाँ दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम बात कर रहे थे और हमने आपसे डिस्कस किया था सक्शन पैड का। ये है सक्शन पैड, ये है सक्शन पैड जो हमारी सनस्क्रीन के सेंटर में लगा होता है। इसको हम वॉल पर अगर चिपका दें, इसको वॉल पर चिपका दें तो ये चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है कि मैंने डिस्कस किया था, सारे चारों ऑल अराउंड वी आर फीलिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी जो डिस्क है, डिस्क और वॉल के बीच में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर को हम रिमूव कर देते हैं वहाँ से, उस प्रेशर को एयर निकाल के रिमूव कर देते हैं। जब हम इसे चिपकाते हैं तो वहाँ पर कुछ एयर होती है, वो निकल जाती है बाहर, तो केवल वहीं से एटमॉस्फेरिक प्रेशर गायब हुआ, लेकिन डिस्क की बाकी सारी सरफेस पर प्रेशर बहुत होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये डिस्क जल्दी से नहीं छूटती है। छूटेगी कब? जब अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, यानी जब अंदर एयर का प्रेशर चला जाएगा दोबारा से, केवल तब